दिल्ली में कोरोना के 520 नए मरीज मिले हैं। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 550 रही, जबकि कोरोना से एक मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें, कोविड-19 स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में 15,114 लोगों की जांच की गई, जिसमें आरटीपीसीआर से 10,145 से ज्यादा मामले हैं और रैपिड एंटीजन टेस्ट से 4,960 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। कोरोना संक्रमण की जांच दर 3.44% दर्ज की गई। वहीं होम आइसोलेशन में कोरोना के 1,318 मरीजों का उपचार जारी है, जबकि अस्पताल में कोरोना संक्रमित व संदिग्ध मरीज मिलकर कुल 117 हैं, जिसमें 20 संदिग्ध मरीज हैं। कोविड केयर सेंटर और कोविड हेल्थ सेंटर में एक भी मरीज नहीं है। आपको बताएं, ऑक्सीजन सपोर्ट पर मरीजों की संख्या 31 है। वहीं आईसीयू में 32 मरीज और वेंटिलेटर पर 5 मरीज उपचार के लिए भर्ती हैं। वहीं अलग अलग अस्पतालों में 9,370 से ज्यादा बेड्स खाली हैं। वहीं दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 230 से ज्यादा हो चुकी है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।